बुधवार को शांतिनगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गश्त के दौरान अपराध शाखा यूनिट 4 ने अपराधी कृत्य में लिप्त व्यक्ति को धर दबोचा है। व्यक्ति का नाम अब्दुल लतीफ अब्दुल रजाक है। जांच करने पर जानकारी सामने आई कि आरोपी विभिन्न अपराधों में 2017 से MIDC पुलिस स्टेशन से फरार है। कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक मेश्राम और अपराध शाखा 4 की टीम ने की है। आरोपी पर चोरी, फिरौती, अपहरण, NDPS एक्ट सहित 21 आपराधिक मामले है। गश्त के दौरान अपराध शाखा 4 को जानकारी मिली कि शांतिनगर में संदिग्ध प्राणघातक हथियार लेकर घूम रहा है। जब पुलिस ने इसका जायजा लिया तब संदिग्ध पुलिस को देख भागने लगा। कड़ी मशक्कत के बाद संदिग्ध को पकड़ा गया है। इसमें ऐसा है कि हम इस टाइम पे माननीय DCP क्राइम राजमाने सर इनके निर्देश के हिसाब से हम क्रिमिनल सर्चिंग हमारा शुरू है। आज हमको ऐसी जानकारी मिली कि एक एक्टिव और हार्ड क्रिमिनल है जिसका नाम अब्दुल लतीफ अब्दुल रज्जाक ऐसा है और वो शांतिनगर में अपने किराए के घर पे छुपा हुआ है और वो लातूर से यानी पुलिस स्टेशन MIDC लातूर डिस्ट्रिक्ट वहाँ से 4 साल से फरार है। तो हमने ये जानकारी की रेकी की और मैं और मेरे टीम के API चौगुले उनको साथ में लेके हम उस एड्रेस पे पहुँचे तो हमको देखने के बाद उसने मतलब वहाँ से भागना चालू किया। मैं खुद उसके पीछे 500 मीटर दौड़ा और मेरे टीम भी दौड़ी और ऐसा करके उसको हमने पकड़ा। वो उसकी जो एक गाड़ी है उसने भी जो गाड़ी लिया है सेंट्रो गाड़ी है वो गाड़ी में बैठ के वो भागने के चक्कर में था। उसी पीरियड में हमने उसको पकड़े और पकड़ने के बाद में और उसका सर्च भी किया गाड़ी का कि उसके पास कुछ है क्या। तो उसके पास भी हमको एक वेपन मिला है, हथियार मिला है। हथियार के साथ और कार के साथ उसको हमने इधर हमारे क्राइम यूनिट 4 में ला के उसका इंक्वायरी किया, उसकी पूछताछ किया, उसका क्राइम क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाला। उसके ऊपर अभी तक 22 बहुत सीरियस गुने दाखिल है और वो लातूर डिस्ट्रिक्ट से 2017 से ये जो गुना 394-95 और 170 365 और 120 यानी इन्होंने अपने पुलिस हाई करके एक हवाला का एक जो वहाँ पर डकैती बना है हवाला के हिसाब से पूरा हवाला का पैसा उन्होंने लूट लिया वहाँ पर। तो उसमें ये आरोपी है और ये बिंदास यहाँ पर घूम रहा था तो ऐसे स्थिति में उनको हमने अभी अटक किया है और उसके ऊपर शांतिनगर पुलिस स्टेशन में गुना रजिस्टर किया है। आगे की जानकारी और चालू है। इसमें ऐसा समझा है कि इसका ये जो है ये हमारे एक वांटेड क्रिमिनल्स है चंदा ठाकुर, उसका ये लवर है। तो उस हिसाब से भी हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू है और वो भी हमको वांटेड है। आगे की कार्रवाई शुरू है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ दीपिका धनेश्वर की रिपोर्ट, NBCN न्यूज़ नागपुर।